दोस्तों क्लीन करने के लिए आपको एक छोटा सा दोस्त चाहिए, तो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक मिनी वैक्यूम क्लीनर जो एक्चुअली में काफी छोटा है लेकिन भाई काफी पावरफुल है। तो चलिए आज इस वीडियो में इस वैक्यूम क्लीनर को अनबॉक्स करके टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है और ये प्रोडक्ट कैसा है। तो स्टार्ट करते वीडियो, आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो वैक्यूम क्लीनर का बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है और ये प्रोडक्ट है एगारो की तरफ से, जिसका मॉडल है गाइस रॉयल और ये हैंडेबल वैक्यूम क्लीनर है और जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। तो चलो सबसे पहले इसको हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स भाई कुछ इस तरीके से करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स दिया गया है और इसके अंदर सबसे पहले ये लंबा सा ट्यूब आपको मिलता है और उसके बाद गाइस ये छोटा सा ब्रश टाइप का है और उसके बाद ये ब्रश टाइप का एक ट्यूब दिया गया है और साथ में ये टाइप ए टू टाइप सी वाला ब्लैक कलर में केबल चार्ज करने के लिए और सबसे लास्ट में ये यूजर मैनुअल। और यहाँ पर बॉक्स में हमें पॉलीथिन के अंदर वैक्यूम क्लीनर मिलता है। तो चलो एक काम करता हूँ, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। और सबसे पहले आप वैक्यूम क्लीनर का जो लुक है, जो डिजाइन है, आप देख सकते हो काफी छोटा सा है, मतलब एक ही हाथ में कैरी कर पा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कितना छोटा साइज का है। यहाँ पर एक टेप है जिसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले आपको मिल जाता है। यहाँ पर पावर बटन है, जैसे प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिस्प्ले है कितना चार्ज है वो दिखाएगा। और यहाँ पर दो मोड आपको मिलता है, एक मैक्सिमम वाला है और एक आपको नॉर्मल वाला मिलता है। और इस जगह पे ना एक लाइट भी है, चलिए मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और जब मैंने इसको ऑन किया था तो साउंड आपने सुना होगा, फिर से मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसा ये नॉइस करता है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल नॉइस होता है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर आपको 100 वाट का मोटर मिल जाता है, मोटर काफी पावरफुल है। पहले तो ये जो सामने वाला पार्ट देख रहे हो, ये ट्यूब वगैरह जो दिया है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा के आप इसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक बटन भी मिल जाता है, इसको प्रेस करते ये वाला पार्ट जो है ओपन हो जाता है और यहाँ पर पूरा डस्ट आके जमा होता है जिसको आप आराम से निकाल सकते हो। और इसको प्रेस करते फिर से ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। और ये वाला पार्ट दोस्तों कुछ इस तरीके से घुमाने से ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों एक फिल्टर भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और फिर से अटैच करने के लिए कुछ इस तरीके से लगा के जस्ट घुमा देना है और ये लग जाएगा। और जो नीचे वाला पार्ट हो तो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर एगारो का ब्रांडिंग मिल जाता है और ये ब्लैक कलर में है, बट मेट फिनिशिंग है गाइस, फिंगरप्रिंट का निशान नहीं पड़ता है। और पीछे का साइड में यहाँ पर एगारो का जो स्टिकर कंपनी का मिलता है वो दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टील टाइप का आपको डिजाइन दिया गया है, मतलब स्टील का बना हुआ है। बाकी यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जहां से आप चार्ज कर सकते हैं इसको, और यहाँ से जो हवा है ना वो बाहर निकलता है। तो है तो ये काफी छोटा सा, लेकिन ये काम कैसे करता है चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूं, यहाँ पर आपको दो बूट मिलता है जैसे मैंने आपको दिखाया, और इसका जो सेक्शन पावर है 13 केपा का सेक्शन पावर है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारा कागज का टुकड़ा पड़ा है। अब चलिए इससे हम लोग क्लीन करते हैं, क्या ये क्लीन हो पाता है या फिर नहीं। तो चलिए इसको ऑन कर दिया मैंने और अब इसको धीरे धीरे क्लीन करने का कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जी हाँ दोस्तों, ये अच्छे से तो क्लीन कर देता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जितना भी कागज का टुकड़ा था वो अंदर खींच चुका है और ये यहाँ पर आके जमा हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोने में भी देख रहा हूँ कुछ कचरा है, तो चलिए इसको भी क्लीन करके देखता हूँ क्या ये क्लीन कर पाता है। तो जी हाँ, तो क्लीन तो ये अच्छे से कर देता है जैसे कि आप देख ही सकते हो। चलो ऊपर वाला पार्ट भी यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। तो हाँ गाइस, क्लीन तो कर रहा है अच्छे से जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो ये छोटू सा वैक्यूम क्लीनर काम तो काफी अच्छा कर रहा है जैसे कि मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया। तो इसको आप अपना कार के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर घर में कोई छोटा कोने वोने में या फिर ड्रेसिंग टेबल वगैरह क्लीन करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो काफी पावरफुल है और काम भी काफी अच्छा कर रहा है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और सबसे अच्छी बात, ये पोर्टेबल है, मतलब इसको आप चार्ज करके यूज कर सकते हो, तो बढ़िया लगा मुझे। बाकी इसको अगर आप बाय करना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको बाय कर सकते हो। इसका प्राइस है 3500 के आसपास, ऊपर नीचे होता रहता है, आप चेक कर लेना। बाकी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। इसी तरीके से गैजेट रिलेटेड वीडियो, मोबाइल का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।